नमस्कार स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्लीट ऑर्डर फील्ड डिफाइन किया था। आज हम इसकी जो एग्जांपल है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के, उसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ फील्ड होता है, ऑर्डर फील्ड भी नहीं होता है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है ये ऑर्डर्ड फील्ड होता है, नॉट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये कंप्लीट, और आज हम इसी एग्जांपल को लेके इसका प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर है उसको ऑर्डर्ड फील्ड हम मान के चलेंगे। हम सिर्फ ये प्रूव करेंगे इस लेक्चर में कि ये ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम उसको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं कहेंगे। तो हम इसी के आगे हम बात करेंगे कि ऑर्डर्ड फील्ड तो ये है लेकिन कंप्लीटनेस एग्जाम्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये हम प्रूव करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो हम शुरू करते हैं इसको। प्रूव दैट द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं यहां पे क्यू जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है। इसके आगे से हम यहां पर ऑर्डर्ड फील्ड हम प्रूव नहीं करेंगे। हम यहां पे ये प्रूव करेंगे नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, नॉट कंप्लीट ordered field. To prove that Q is not a complete ordered field, we have it is sufficient to show that set Q of rational numbers does not satisfy the ordered completeness axioms. तो हम यहाँ पर सिर्फ इसके completeness axioms को प्रूव करेंगे कि ये इसको satisfy नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास ordered completeness axiom जो है, इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम्स। भाई ये ऑर्डर फील्ड तो है, हमें प्रूव करना है कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करता है कि क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के पास देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी सबसेट, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट मिलेगा। कहां मिलेगा? क्यू में मिलेगा, ठीक है। Q में एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट मिलेगा विच इज बाउंडेड बिलो, विच इज बाउंडेड बिलो। बट हमने देखिए अप्रूव किया था कि इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए कि कोई भी एक ऑर्डर्ड फील्ड है उसका हर नॉन एम्प्टी सबसेट यदि वो बाउंडेड बिलो है तो उसका इनफिमम उसी फील्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे फील्ड कौन सा है? क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसके लिए क्या होगा कि कम से कम एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट मिलेगा क्यू में विच इज बाउंडेड बिलो, जो बाउंडेड बिलो तो है बट
but it does not have an infimum n q. रेशनल नंबर में उसका इन्फिमम नहीं होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम ये प्रूव करें कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट मिलना चाहिए Q में जो बाउंडेड अबव तो हो, विच इज बाउंडेड अबव, लेकिन उसका सुप्रीमम नहीं हो फील्ड में. दोनों ही केस में ये ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिस्टेंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और उस केस में मना कर देंगे कि ये ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिस्टेंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है. डज नॉट एज ए सुप्रीमम इन क्यू. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये सुप्रीमम इन क्यू एंड इनफिमम इन क्यू. तब उसी केस में मना करेंगे, तो हमें इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल लेके, क्योंकि देखिए यहां पे डिस्प्रूव करने जा रहे हैं हम ये प्रूव नहीं कर रहे कि ये है, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है. अब क्योंकि ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिम होता है कि फील्ड का कोई भी सबसेट ले लें, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट. अब क्योंकि इसको डिस्प्रूव करना है, इसलिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना ही काफी होगा. हम सिर्फ एक एग्जाम्पल भी हमें मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए, देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी सबसेट दोनों केस में. इसका मतलब है कम से कम एक, यदि एक भी ऐसा सबसेट हमें मिल गया जो ये काम करे तो फिर हमें मना करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिम को सेटिस्फाई करने के लिए तो हर सबसेट उन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे डिस्प्रूव करना है. इसलिए हमें सिर्फ कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेंगे और हम यहाँ पे शो कर देंगे, या तो ये वाली बात हम शो कर देंगे या फिर ये शो कर देंगे. यदि हमें, यदि क्यू में एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट बना ले जो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन उसका इन्फिमम नहीं मिले क्यू में, या ऐसे कहें कि उसका कोई भी रेशनल नंबर उसका इन्फिमम नहीं हो, या फिर ये हम ये प्रूव कर दें कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट हमें मिले क्यू में जो बाउंडेड अबव तो हो लेकिन कोई भी रेशनल नंबर उसका सुप्रीमम नहीं हो, तो दोनों ही केस में हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर को कॉम्प्लीट ऑर्डर फील्ड कहना के लिए हमें मना करना पड़ेगा, ठीक है? और हम यही चाहते हैं यहाँ पे, तो हम एक यही काम करेंगे कि एक ऐसा सबसेट बना लेते हैं जो या तो बाउंडेड बिलो होगा या बाउंडेड अबव होगा. तो फिर तो हम एक यही यहाँ पे प्रूव करेंगे, तो हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे. तो एक सेट हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक सेट में बना रहा हूं यहां पर. किसका बनाएंगे? क्यू का. ये है क्यू ऑर्डर फील्ड, इसमें से कोई एक सेट लेंगे हम ए. तो मैं यहां पे बाउंड बिलो सेट बना रहा हूं इस तरह का है, ये जो बाउंड बिलो तो होगा लेकिन हम ये प्रूव कर देंगे कि कोई भी रेशनल नंबर इसका इन्फिमम नहीं हुआ, ठीक है? तो एक सेट हमें कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडर अ सेट ए, नाम दे रहा हूं मैं उसका, और ये सेट कुछ इस तरह से है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू. ध्यान से देख लीजिए इसको, किस तरह का सेट बनाया है हमने. पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का एक सेट लिया है जिसका स्क्वायर टू से बड़ा है, और ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि करूँ रियल लाइन पर इसको यदि ड्रॉ करूँ, तो यदि ये है जीरो और ये है टू, इधर रहता हूँ मैं, यहाँ पर यदि ये टू है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू है, इसका मतलब कौन से रेशनल नंबर्स होंगे, या ये हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव रेशनल्स ले रहे हैं अपन, ठीक है? सिर्फ हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ले रहे हैं, वो भी कौन से ले रहे हैं,
जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा हो, इसका मतलब कौन से, जिनका स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़े रेशनल नंबर्स होंगे वो है यहाँ पे। तो इस लाइन के टू के इधर जितने भी पॉजिटिव ये जो रेशनल नंबर्स होंगे उनका सेट है। इसमें इरेशनल्स भी है, हम आगे पढ़ेंगे बेसनेस प्रॉपर्टीज में। और आप पहले भी ये भी जानते हैं देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स बिटवीन एनी टू रेशनल्स एंड इरेशनल्स, तो हम इनको अलग तो कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमने जो सेट कंसिडर किया है वो सिर्फ रेशनल नंबर्स का है, ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, ये है स्क्वायर, इसके आगे वाले 1.14 समथिंग इसके अंदर है। और हम ये भी जानते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर रूट 2 क्या है, ये है रेशनल नंबर, तो इसके आगे जितने भी पॉजिटिव रेशनल है उनका सेट है, वो हमने लिया है सेट। तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि अब यहाँ पे प्रूव कर देते कि एक तो ये नॉन एम्प्टी है, दूसरा ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि उधर आगे तो आते ही रहेंगे प्लस इन्फिनिटी तक बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलेंगे पॉजिटिव रेशनल्स, तो बाउंडेड अबव तो होगा नहीं ये सेट। यदि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 2 कर दूँ तो फिर हो जाएगा। तो इस केस में ये दिख रहा है यहाँ पे कि बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ये प्रूव करें कि ये जो सेट है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो बाउंडेड बिलो है। फिर हम ये बाउंडेड बिलो है तो हम ये प्रूव करेंगे कि इसका जो इन्फिमम जो होगा वो रेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ पे हम इसी देखे हैं यहाँ पे तो हमें दिख भी रहा है यहाँ पे कि इसका जो इन्फिमम होगा वो यही होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि रेशनल नंबर नहीं है, यही चीज हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो करते हैं यहां पे देखिए, सिंस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, और ये जो 2 स्क्वायर है वो 2 से बड़ा है, क्यों यहां पे यदि मैं 2 रखू तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इस सेट ए में है और 2 जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है, इसका मतलब ये जो 2 है वो इस सेट में है, इसका मतलब ये हो गया 2 बिलोंग्स टू ए। और इससे ये साबित हुआ यहाँ पे क्या हुआ, इससे हमें ये प्रूव हुआ है कि ए इज नॉन एम्प्टी, ए एक नॉन एम्प्टी सबसेट है क्यू का, सबसेट ऑफ, ये बात साबित हो गई यहां से। नेक्स्ट, इसी तरह से ऑल्सो 1 स्क्वायर यदि हम करें, 1 स्क्वायर तो होता है 1 यहां पे, अब 1 स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं ए में वो 1 से तो बड़े ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट है यहां पे 4 ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी हम ले ले तो वो सारे 1 से तो बड़े हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर है वो 2 से बड़ा नहीं है, जितने भी एलिमेंट है इस सेट में यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे यदि ये 1 है तो ये तो होता है 1.14 समथिंग आगे, तो जितने भी एलिमेंट है सेट ए में वो 1 से तो पड़े ही हैं। तो हमने यही लिखा है कि 4 ऑल ए बिलोंग्स टू ए है ए ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए है वो बाउंडेड बिलो है और 1 यहाँ पे इसका लोअर बाउंड है इस सेट का, क्योंकि ये 1 ही दे रहा है, ये इसका लोअर बाउंड हो गया। तो यहाँ पर इससे ये प्रूव हुआ है कि ए इज बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो सबसेट हुआ यहाँ पे, ये नॉन एम्प्टी सबसेट भी है और बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड बिलो बाय 1, बहुत सारे लोअर बाउंड्स होंगे इनफाइनाइट होते हैं हम जानते हैं, लेकिन हमें तो ये दिखाना है कि बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव कर दिया, तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट
भी है यहाँ पे जो कि बाउंडेड बिलो भी है। तो हम यहाँ पे ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ विच इज बाउंडेड बिलो, विच इज बाउंडेड बिलो, ये हमने प्रूव कर दिया है अभी तक। अब हमारा काम क्या रहेगा प्रूव करना, ये हमने प्रूव किया है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ऑर्डर फील्ड एफ नहीं है। अब यहाँ पे हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्यू की बात कर रहे हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की जो कि बाउंडेड बिलो है। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है, तो इसका जो इन्फिमम है, इस सेट का जो इन्फिमम है वो इस सेट में नहीं है, इस फील्ड में नहीं है, क्यू में नहीं है, ये हम प्रूव करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। थैंक यू।